आप सभी को वेलकम है लखनीत व्लॉग्स में। हेलो हेलो एवरीवन, मैं आज टाइम से तैयार हो गया हूँ, लेकिन आज एक बहुत बेकार न्यूज़ है। बेकार न्यूज़ क्या है, आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, आज मेरा भाई सूरज वापस जा रहा है। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उसको जाने से पहले बहुत टाइम यहाँ पे रोकूँ, बहुत सारा टाइम स्पेंड करें साथ में, और आप लोग बहुत सारे शॉर्ट्स देखो आज हमारे। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे चलता हूँ सूरज के पास। हाय स्मार्टी, मैं टाइम से आ गया आज, क्योंकि आज मुझे मेरे भाई के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मेरा भाई तो बस ये आगे जा रहे हैं और ये सब एक दिन के लिए आए थे हमारे पास। बहुत बुरा यार, क्यों बुरा है तू इतना यार? तू भी उठ गई, तू तो तैयार भी हो गई। सुनो, हाँ ये तो कैमरा हिला दिया कैसे से। सुनो, हम लोग जाएंगे सुबह और शाम को हम वापस। ये कोई बात नहीं, हम दो दिन रुके, आप एटलीस्ट तीन दिन तो रुकोगे ना? आने वाला हो गया, दो दिन रुके हैं। ये तो डायलॉग बाजी मार रहा है ना, इन्हें से सीखी है। देखो अभी कुछ नहीं, अभी कोई जानवर की बात नहीं कर रहे, चलो पहले टाइम स्पेंड करते हैं अपना। और ये हमारी फैशन क्वीन जाने को तैयार बिल्कुल। ये देखो यशी, हाँ? लोग मना कर रहे हैं यार, लोग कह रहे हैं यशी दीदी को रोक लो। सच में तूने कमेंट्स पढ़े? देख कमेंट्स पर लोग क्या कह रहे हैं। मैंने पढ़े, मैंने बहुत सारे कमेंट्स, लेकिन तूने दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया और जाने का सोच लिया। यार क्या करूं, देखो अभी भी ना मेरे पास ऐसे मैसेज आ रहे। ओके सेलेब, ओके मतलब तेरे काम ज्यादा, ठीक है? आज हमने देख लिया कि यशी ने काम में थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, फिर वापस आ जाएंगे हम। पक्का? कितने दिन? मैं इसीलिए कैमरे में बोल रहा हूँ ताकि तू जो प्रॉमिस करे ना लोग सुने उसको, अपने आप रिमाइंड करेंगे लोग तुझे 15 दिन बाद। तो गाइस डेट नोट कर लो, 15 दिन बाद से यशी को रिमाइंड करना स्टार्ट कर देना, ठीक है? यशी भगवान का इशारा समझ ब्रो, तुझे जुकाम जो हुआ है ना वो भगवान का इशारा है कि तू आज मत जा। सारी ऑडियंस को पता है मुझे रोज जुकाम होता है। बहुत रूड है यार हिटलर। आपको पता है यहाँ आने से पहले ना जब ऐसे था मेरा कि पता नहीं मैं कैसे जाऊंगी, बट मैं फाइनली आ गई, क्योंकि ना मेरे को जो काम दे रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा, और मैं रोज ऐसे चिल्ला रही हूँ काम खत्म क्यों नहीं हो रहा, काम खत्म क्यों नहीं हो रहा। और फिर मैंने कहा अब छोड़ो, मैं जा रही हूँ। इधर यशी, इधर आई। देखो गाइस, मैं घर पे नहाने गया था जैसे कि आपने वीडियो में देखा, और इनमें से किसी ने माइक तोड़ दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हो ना, माइक तोड़ दिया और वो फिट नहीं बैठ रहा। काम किसके, कोई नहीं बताएगा। भाई साहब वो माइक ऐसा क्यों रखा है? ये यशी मैडम ने तोड़ा। सही सी बताइए, सही में यशी ब्रो ये तेरे से टूटा है ब्रो? मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। तू सुनाई नहीं दे रहा? इधर मुकर, अरे मुकर मेरे पास है एक इलाज। इधर 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 यशी, गुची बेटा तो मुझे बुला रहा है क्या? मैं ढूंढ रहा हूँ तब से कि किसने मेरा माइक तोड़ा, और तूने तोड़ के फिर उधर रख दिया आराम से मजे से। इतना देख कैसे रखा है, जैसे वहां म्यूजियम में रखा जाता ना सामान, ये रखा आराम से। मैंने आके देखा, मैं सूरज से पूछ, रख दिया शिट। तूने क्या रखा था, क्या करा इसने? नहीं तो माइक किसने तोड़ा ये? तुम उसको फंसा तो नहीं रहे? नहीं यशी, सच सच में। चल कोई नहीं मेरी बहना, कोई नहीं यार, तेरे लिए माफ है। है माफ है? हाँ, मारना नहीं, कमर पे तो मार दिया है, सर पे नहीं मारना, ठीक है? पापा कहते ऐसे पिटवा देते कुछ लोग, छोटी बुद्धि होती है यार। अच्छा एक बात बता, माइक निकाल के दे मुझे, चल इसका माइक दे। इसने तोड़ा इससे लो, तुम इतने चालाक हो दोनों, पहले तो मुझे गिफ्ट करा ला, दे दे। हाँ माइक दे, वो ये जुड़ जाएगा ना वैसे उससे, फेविक्विक से। चल आज फ्री टाइम में यही करूंगा। हमारा वाला भी ऐसे टूटा था। अब ऐसा ना यशी जा रही है, जाते जाते एक टास्क देके जा रही है, कह रही भैया आप मिस नहीं करोगे, आपको वैसे काम पे लगा जाऊंगी जो आप करते रहोगे। यशी ने तोड़ा था, यशी ने तोड़ा था। चलो ब्रो घर चलते पहले। चलो, चलो। मेरी उदासी आज कोई नहीं समझ सकता, मेरा भाई जा रहा है, मेरी इतनी प्यारी प्यारी बहना जा रही है, और नीतू भी जा रही है। और नहीं, और नीतू भी जा रही है यार, वो भी डर जा रही है, मैच अकेला। हाँ बिल्कुल, वो भी चल रही है, उसका भी सामान पैक है। बाय। और नीतू कहाँ जा रही है वो आपको बाद में पता चलेगा। तुम तीनों जा रहे हो ना साथ साथ? आपके साथ कोई नहीं है। मैं भी जल्दी ज्वाइन करूंगा तुम तीनों को। तो नीतू जा रही जयपुर। आपको कैसे पता? मैं जा रही हूँ साथ जयपुर। बाय। तेरा बैग कहाँ है? नीचे। तुम इसको ले जा रहे हो, लेकिन ख्याल रखना मेरी नीतू का। ओह माय गॉड। ठीक है, तो अब समय आ गया आपसे विदा लेने का, मेरा नहीं इन तीनों का। और देखो वो जाने नहीं दे रहा यार, गुची जाने नहीं दे रहा, उसने यशी को पकड़ लिया और उस पर घुर्राया जा रहा है बार बार। यशी काट लेगा, मत जा यार, वो मना कर रहा है, मना कर रहा है। भाई कितना दिमाग होता है मतलब इनमें यार, बहुत स्वीट लग रहा है मतलब। देखो छोटा सा है लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह से रोक ले शिट यार। और देखो नीतू ने उसको चॉकलेट दिखाई तब भी नहीं छोड़ रहा। यह है मेरा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जब तीन जिगर के टुकड़े जा रहे हैं। तेरा बैग था, मेरा कैसे बन जाएगा समझ नहीं आ रहा। बस मैं और गुची रहेंगे आज, मुझे नहीं पता।
अभी मैं कंफ्यूजन में आ गया, मैंने कहा यशी का बैग इतना हल्का क्यों है, तो पता चला वो सूरज का था हाँ। और इतना भारी वाला वो इसका था, ऑब्वियसली वो पूरा वो लेके चलती है। हम लोग जा रहे हैं अभी मॉम के पास, मॉम को बाय बाय करने, और मैं भी आज कहीं जा रही हूँ और ये बात किसी को नहीं पता। नहीं तो कैसे बन लगेगा यार, सच में यार तू क्या ऐसे एक्टिंग कर रही, तू तो खुद जा रही है, मेरा सोच। मगर मैं, मेरे को आना तो वापस यही है ना, चाहे मैं एक दिन के लिए जाऊँ दो दिन, घर तो मेरा यही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। मुझे भी यार, पता नहीं यार इतने कम दिन के लिए क्यों आते हैं ये लोग। तो मैं आज एक दिन और रुकना पड़ेगा, कॉल आया है अभी घर से। इनको इनको मम्मी खुद बोलेगी ना, तब इनको पता चलेगा। हाँ हम घर में आए ही थे कि हमें पता चला कि हमारा आया हुआ है पार्सल, यूट्यूब वालों ने भिजवाया, अब देखते हैं क्या भिजवाया। हेलो मॉम। हेलो। नमस्ते। नमस्ते मॉम, मेरे कपड़ों के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगी। कहाँ को रेडी होकर घूम रही है? आज हम जा रहे हैं शूट करने। सो गाइस, ये आया है यूट्यूब की तरफ से एक पार्सल, अभी हम इसको अनबॉक्स करके देखेंगे इसमें है क्या। और अच्छा है कि इनके जाने से पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। सेम बात बोलने वाली थी। हाँ कब करो अनबॉक्स? आओ बम्मू, हमारे यूट्यूब की मेन कैरेक्टर बम्मू सिंह, क्या मंगा रही हो? सिजर। ओके। कटर है ही नहीं यहाँ तो यार, पता नहीं कहाँ पर रख दिया। तो दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट है रेडी। ये दो जो आप इंसान देख रहे हो यार हमको छोड़ के जा रहे हैं, हमको बहुत दुख है इस बात का। पूरा खा पी के छोड़ के जाएंगे, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए, हम वापस आएंगे। आप हमारा दिल हमारा हृदय तोड़ रहे हैं। सिर्फ सैंडविच फिर से हो जाता है? नहीं, छोले में कुछ सूट नहीं करते। गैस लगा दे छोले से। हाँ तुझे भी होती है? अजीब जानवर जितना भी खाए हाँ। खाता ही रहता है। उन्होंने नजर लगा दोगे ऐसे करने, बोलो मत पिटोगे तुम। किसी और नहीं लगती, तुझे लगी नजर? तू तो वैसे खाती कम है, इसको नजर नहीं लगती। मैं भी खाती हूँ बहन, इतना नहीं खाती यार तू। तू इसका 20% खाती होगी। दोनों का मिला के और इसको भूख दिन में लगती है, मतलब हर घंटे गैप पे। इतना नहीं 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 बस सैंडविच कुछ रास्ते के लिए। नहीं नहीं तो कटर से तो खोलूंगा। क्यों इतना देर लगाओगे? तो माँ ना वैसे मैं तो हाँ ऐसे खोलो ना, कटर तो ढूंढ लिया। एक्साइटेड क्या ये? ये भी एक हैशटैग खेला था फेयरी फॉर इंडिया, जिसमें कि आपने अगर अपनी स्टोरी बताई हाँ। कि आप कैसे कैसे थी, ये हैशटैग मैंने भी किया है तो उसका गिफ्ट है। मैंने तो स्टोरी भी नहीं बताई अपनी। नहीं बताइए, यूट्यूब वापस मत लेना प्लीज, मैंने बताई स्टोरी। नहीं नहीं हाँ बट कोई बात। तो ये पाई के होगा हाँ? पाई ने बताइए अपनी। नहीं मैंने बताई है। एक कितने सारी क्रिएटिंग अच्छा फ्रेम है, इतनी बड़ी बुक है, कुछ ना कुछ होगा आपके लिए। अगर यूट्यूब इसमें मैं नहीं हुआ ना तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इनको पढ़ूंगा आराम से। यूट्यूब गलत ना समझना मुझे। मेरी बहना जा रही है और सूरज मेरे जिगर के टुकड़े बहुत जल्दी मिल रहे हैं। बड़ा सुना सुना अपने घर में सुना सुना चलेगा यार। होता है ना बहुत ऐसे, आप लोग सिर्फ दो लोग रहते हो ना वहाँ पे, तो हमारे दो लोग नहीं, मैं अकेली रहती हूं। मैं दिन दिन में रहता हूँ बस, मतलब फिर भी ऐसे हाँ। मतलब ज्यादा से ज्यादा दो लोग रहते हैं या फिर नीतू दीदी रहती है। एक आदत सी पड़ गई ना, ऐसा लगा कि मतलब यहाँ से जा रहा हूँ मैं एक्साइटमेंट में। तुम लोगों को आते रहना है ठीक है, हम दो नहीं मगर हर 15-20 दिन में हम ठंडों में जाएंगे, क्योंकि जब राजस्थान जा रहे हैं गर्मी में, वैसे वहां पे ठंडों में हम ज्यादा रहेंगे, गर्मियों में ये ज्यादा है ना, ऐसा करते हैं। फैक्ट लगेगा तुम्हें तो कुछ नहीं लगेगा, जा रहे हो वहां अपना मजे से। नहीं अभी हमारे फ्रेंड्स वहां पर कोई नहीं है ना, सब गोवा गए ये मानते वो ना मुझे बोलते ये मैं कर दूंगा, अरे तेरा स्पॉट बॉय बन जाऊंगा मैं। ओके अब सूरज की प्रोटीन बार पैक हो रही है यहाँ पे, इसकी रेसिपी भी बता दो एक बार माता श्री। जब मैं बनाने के लिए बैठी हूँ जब अभी ना बनेगी मुझे भी आएगी। भाई कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ मत करना, मैं ऐसी परेशान करूंगा समझा। ना सोच रहा हूँ भैया, हमते कोई गलती होगी तो भी कोई हम ऐसे ही करते रहेंगे क्योंकि ठीक है। बाय, मिलते जल्दी। बाय मेरी जान, बाय। हमारी घर में अम्मी को सुना कर गया, पता नहीं क्या करूंगा आज मैं, नीतू भी जा रही है। शिट यार अच्छा नहीं लग रहा है उनको जाते हुए देख रहा हूँ अभी मैं। यार वो लोग तो चले गए, मुझे अभी से सुना सुना लग रहा है। नीतू भी जा रही है और मैं आज बैठ के यहाँ पे बहुत सारा पेंडिंग काम है वो निपटाऊंगा। सबसे पहले जो काम करना है वो है मुझे अपना माइक ठीक करना है, जो यशी से गलती से टूट गया। तुमसे टूटा लगा यशी? अच्छा, बात वो मेरे से टूटा था, मैंने यशी को पहले ही बोला कि यशी यार ये लोग ना मुझे बहुत सुनाएंगे, तो अपने ऊपर नाम ले रहा हूँ। मेरी बहन इतनी प्यारी है, मेरी बहन इतनी प्यारी है कि उसने बोला ठीक है भैया आप रख दो, और उसने फिर अपने ऊपर नाम ले लिया। अगर ये मुझसे हुआ होता तो तुम मेरे ऊपर नाम लेता।
ऐसे थोड़ी होता है यार। मैं कहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, पहले मैं वो करता हूँ अपना कैमरा। ठीक है, ये रहा कैमरा, इसका माइक ठीक कर लेता हूँ आज। बाय बाय। फाइनली नीतू भी जा रही है, अब मिलते हैं फिर। नीतू प्लीज एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा तेरे से, व्लॉग के शॉर्ट्स अच्छे ले लियो, ठीक है नीतू? फॉर्मेलिटी के लिए मत लियो, मतलब एहसान मत करियो किसी पे। बाय। चल बाय बाय। आज मैं एम्पोरियम आई हुई हूँ, और मतलब करण ने मेरे से आज मेरा बेवकूफ बना दिया। करण ने बोल रहा था कि आप चलो और हम एक घंटे बाद ही पहुँच रहे हैं, और मैं यहाँ चार घंटे हो गए मेरे को घूमते घूमते। देखो भैया मैंने शॉपिंग भी कर ली, वो शॉपिंग भी कर ली, लेकिन इनके भी एक घंटा नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं घर ही निकल जाऊँ। मेरा पागल बन चुका है, करूँ भी क्या मैं अकेले अकेले। तो मेरे साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि करण तो आया नहीं और हमें भेज दिया। मैं आ गई, घूम लिया, इतना सारी शॉपिंग भी कर ली, उसके बाद मेरे पास कुछ काम ही नहीं बचा। मैं कॉल करे जा रही हूँ, आई नहीं है, इनके लोगों की मीटिंग ही खत्म नहीं हो रही, तो मैं तो भैया घर चल रही, क्या करूँ, फास्ट भी है ना, तो मैं घर चली हूँ। फ्रेंड्स आज मैं हो रहा हूँ सिर्फ बोर बोर एंड बोर, और मेरे साथ है ये ऑब्जेक्ट। आपके बच चुके हैं 8, लेकिन मुझे मैंगो शेक की क्रेविंग हो रही है। ये रहा पर्दे के पीछे क्या है। सो माय मैंगो शेक इज रेडी, अब इसमें थोड़े से डालते हैं ड्राई फ्रूट्स। मुझे सच में आप बहुत अच्छा लग रहा है यार। मेरे को आईफोन दिलाने के लिए किडनी ना दे सकते हैं? तुम्हारे पास दो हैं, एक से जिंदा रहोगे आराम से। बकवास बात क्यों कर रहे हो? अरे क्या आदमी है यार, कभी अच्छा सा बात ना करती। फिलहाल लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन माय मैंगो शेक। अच्छा मम्मी आ गई है शॉपिंग करके, जाके देखते हैं मम्मी ने क्या क्या खरीदा। मैं तो रेस्ट ही कर रहा हूँ सुबह से, उसके बाद चल के हमारे गुची को भी देखना है। पहले मम्मी वाला आपको दिखा दो, मम्मी आज क्या क्या लेके आई। क्या हो गया मम्मी? आज मेरा पागल बन गया। कैसे? लकी और पाई ने मुझसे कहा कि मतलब हमारी मीटिंग है और एक घंटे बाद यहाँ से निकली है, मैं और डेढ़ घंटे बाद निकली। हाँ। उसके बाद मैं जाकर 3-4 घंटे मॉल में भी घूम ली, इनका कोई अता पता नहीं, फोन नहीं उठाए ये लोग। मैं सोचू क्या करूँ, घर ही चलूँ वापस। फिर मैं एम्स तक आ गई थी, फिर इनका फोन आया कि वापिस आ जाओ, फिर मैं वापिस गई। अरे बाप रे, लेट हो गए इतना। हाँ जब आप बहुत ज्यादा लेट आई हो आज, कुछ सामान लाई नहीं? ये देख। अच्छा ये है आज की शॉपिंग? नहीं आज की बर्बरी की तो हुई रही है सारी। अच्छा वो बाद में आएगी? वो बाद में आएगी। क्या ऑल्टरनेशन वगैरह है क्या? अच्छा ये तो नाइट सूट है सारा बॉस के। इतने सारे नाइट सूट सोते आप लोग हो नहीं, 4 घंटे की नींद लेते हो और इतने अलग अलग नाइट सूट। सैंपल आई, अच्छा ये बताया कि बहुत अच्छा है, बालों में वॉल्यूम आता है। भाई मैं क्यों प्रमोट करूं, पकड़ो। और क्या लाई हो? नहीं लाई कुछ नहीं। मम्मी शॉपिंग टाइम खुश रहती है ना, मतलब आप लोगों ने भी नोटिस किया, आप लोग भी कह रहे थे कि मम्मी खुश कब रहती है, सबसे खुश रहती है शॉपिंग करते। इसमें क्या है? ये बस एक दो टॉप है और शॉर्ट्स है। मम्मू मॉडर्न हो गई है। मम्मी ऐसे एक बात बताओ, जब आपने पहली बार जीन्स पहनी थी तो आपको कैसा लगा था? अब तो आप शॉर्ट्स और नाइट सूट सब पहनने लगी हो, लेकिन मतलब गांव से निकल के फिर एक आपके अंदर रिजेक्ट तो थी ना वाली? हाँ, बिल्कुल। फिर कैसे दूर हुई? मतलब बाबूजी के सामने अभी नहीं पहनती। हाँ बाबूजी के सामने तो मतलब हमारी पूरी जो यूट्यूब फैमिली बोलती है कि मम्मी जब भी बाबूजी आते हैं सर पे वो रखती है, पल्लू रखती है। सर वो देखो एटिकेट्स होते हैं, वो हमारे कल्चर की चीजें है ना। देखो जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसको उस तरीके से रखना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। अच्छा ये लेके आई हो? दिखाऊं ना? मैंने कही है। पहन के कब दिखाओगी? अरे पहनूंगी कल परसों, एक दो दिन में। अभी तो मैं साड़ियां पहन रही हूं। ओके ब्रो, ओके। साड़ी सूट सब लोग कहते हैं ना, साड़ी पहनो साड़ी पहनो, मैं डेली साड़ी पहन रही हूं। सही में? सब। नवरात्रि कैसे पहन रही हो? हां नवरात्रि मिल गई तो। अच्छा नवरात्रि में तो मैं वैसे भी बहुत खुश रहती हूं, पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं 9 दिन मुझे क्या हो जाता है, मैं बहुत ही खुश रहती हूं। आप सभी को भी बहुत सारे विशेष के साथ हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि अभी भी चल रहे हैं। दूसरी बार ब्लॉग और माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म। एक मनोकामना हमारी आप सब पूरी करोगे, वो ये कि वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और दूसरी बात, अब हमने अपना जो फेसबुक वाला पेज था वो बंद कर दिया, जय माता दी। जो भी ऑडियंस हमारी देख रही है ना वो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पे शिफ्ट कर जाओ। जय माता दी बोलो। जय माता दी जोर से बोलो। जय माता दी। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।